मनीष कश्यप एक बार भी नहीं पूछे कि मेरी माँ कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं, मेरे केस को लेके क्या हो रहा है, इसका चिंता थोड़ा भी नहीं था। और आंखों में बिहार को बदलने का सपना और दिल में सीने में बिहार धड़क रहा था, शेर की तरह दहाड़ के इस तरह से जाली पे उनका हाथ था, उस दृश्य को हम नहीं भूल पा रहे हैं। और टेलीफोन के माध्यम से बात होता है, इस साइड हम खड़े थे, उस साइड वो खड़े थे, टेलीफोन के माध्यम से बात हो रहा था और वो कह रहे थे कि विशाल भाई बिहार को तो बदलना है। हम लोग साथ में थे तो मनीष शेर था और है और रहेगा, कहता था कि भाई निकलेंगे यहाँ से, काम होगा, छोड़ेंगे थोड़ी हम लोग। लेकिन तकलीफ इस चीज़ का है कि यहाँ तक तो सही था, लेकिन मनीष को जो तमिलनाडु भेज दिया गया वो बहुत हृदय विदारक चीज़ है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस चीज़ को वो कैसे झेल रहा होगा जहाँ अपनी भाषा नहीं समझ में आती है, जहाँ वहाँ के अपने लोग नहीं है और वहाँ का सरकार भी अपना नहीं है, जो मुझे समझने वाला हो। बिहार के जेल में क्यों नहीं रखा गया, एक मतलब पैसा लिया है तेजस्वी, यहाँ के सरकार ने पैसा लिया है तब न इसको भेजा गया है तामुलार। मैं FIR करेंगे तेजस्वी के ऊपर। जनता के पूरा सपोर्ट बावे, मीडिया में भइल विस्फोट बावे, तक उपाय नहीं का के घेर हो, मनीष कश्यप हमें दिलेर हो, कि बड़े बिहार के शेर हो। मनीष कश्यप ने जेल से क्या मैसेज भेजा अपने बिहार वासियों के लिए? कौन है वो लड़की जो मनीष की रिहाई के लिए मंदिर जाकर मनीष की फोटो रखकर भगवान की तरह उसकी पूजा करती है? क्या कहा मनीष की बेस्ट फ्रेंड नगेश सम्राट ने? और कौन है वो शख्स जिसने मनीष पर बना दिया गाना? बताऊंगी आपको सब कुछ इस पूरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि मनीष कश्यप से जुड़ी हर एक सच्ची और इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ बबली। मनीष कश्यप सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। हर किसी की जुबा पर बस मनीष ही मनीष रहता है। आज मैं आप सभी की मुलाकात कराने जा रही हूं मनीष के एक चाहने वाले से, जिनका नाम है विशाल। विशाल मनीष से मिलने मदुरई जेल गए थे, जहां मनीष ने जेल से ही अपने बिहार वासियों के लिए मैसेज भेजा है। मनीष ने क्या मैसेज भेजा वो आप खुद सुनिए। मनीष कश्यप एक बार भी नहीं पूछे कि मेरी माँ कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं, मेरे केस को लेके क्या हो रहा है, इसका चिंता थोड़ा भी नहीं था। और आंखों में बिहार को बदलने का सपना और दिल में सीने में बिहार धड़क रहा था, शेर की तरह दहाड़ के इस तरह से जाली पे उनका हाथ था, उस दृश्य को हम नहीं भूल पा रहे हैं। और टेलीफोन के माध्यम से बात होता है, इस साइड हम खड़े थे, उस साइड वो खड़े थे, टेलीफोन के माध्यम से बात हो रहा था और वो कह रहे थे कि विशाल भाई बिहार को तो बदलना है। अब इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है, NSA लग गया, बिना गलती के NSA लग गया, तो अब इससे बड़ा सजा और क्या होगा? तो बिहार को बदलना है विशाल भाई, ये करना है, ऐसे आप लोग काम करिए, लोगों का बात करिए, मजदूरों का समस्या दिखाते रहिए, इस तरह से वो लगातार बोल रहे थे। और जाइएगा तो सबसे कहिएगा कि सब कोई मजदूरों के लिए आवाज़ उठाए, सबके लिए सब कोई मजदूरों का बात करे और बिहार को बेरोजगारी से आज़ाद कराना है। तो भाई सुना आप सभी ने मनीष ने अपने बिहार वासियों के लिए क्या मैसेज भेजा। दोस्तों मनीष इन दिनों बेशक से जेल में है, लेकिन मनीष ने अपना बिहार बदलने का जो सपना देखा था वो सपना आज भी मनीष की आंखों में चमक रहा है। मनीष जेल में बंद है, लेकिन फिर भी अपने बिहार वासियों की चिंता उन्हें खाई जा रही है। अब मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक गाना जो मनीष के लिए गाया गया है, और वो गाना गाया है उनके एक बहुत बड़े फैन ने। जरा सुनिए। जनता के पूरा सपोर्ट बावे, मीडिया में भइल विस्फोट बावे, तक उपाय नहीं का के घेर हो, मनीष कश्यप हमें दिलेर हो, कि बड़े बिहार के शेर हो। वो हैं सच में शेर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सच को हमेशा दबाने की कोशिश किया गया है, चाहे वो कोई भी सच हो, किसी भी चीज को लेके अगर आदमी जागरूक होता है, उठता है, तो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और जो मनीष भैया किए थे पब्लिकों के लिए, हम सभी के लिए, वो सच किए थे, और उसी चीज को हम सोच के ये गाना गाते हैं। तो सुना आप सभी ने मनीष के लिए इस शख्स ने कितना बढ़िया गाना गाया। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं,
और अब मैं आप सभी की मुलाकात कराने जा रही हूँ मनीष कश्यप के परम मित्र, बोले तो बेस्ट फ्रेंड से, जिनका नाम नगेश सम्राट। जब स्टार्टिंग में मनीष से मिलने जेल गए थे तब उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। नगेश सम्राट हमेशा मनीष के साथ रहते थे, तभी तो देखिए मनीष के साथ इन्होंने अपनी दोस्ती जेल में भी निभाई और जेल में न जाने कितने दिन मनीष के साथ इन्होंने गुजारे। दोस्तों मनीष के इन बेस्ट फ्रेंड का क्या कहना है आप सुनिए। जेल जेल ही होता है जी। 2 महीना हम भी साथ में रहे हैं जेल में मनीष के, मतलब 2 महीना यहाँ हम थे, 3 दिन हम लोग साथ में रहे थे मनीष के साथ, और मनीष के साथ मिलने गए थे इसके वजह से मुझे जेल में डाला गया था। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेरा हाथ था तो मनीष पकड़ के रोने लग गया, भावुक हो गया, तो उसके बाद मुझे उस वीडियो के वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, जबकि ऐसा उस वीडियो से होने वाला कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उस केस में डाल दिया गया और मैं 2 महीना वहां रहा। लेकिन तकलीफ इस चीज़ का है कि यहां तक तो सही था, लेकिन मनीष को जो तमिलनाडु भेज दिया गया वो बहुत हृदय विदारक चीज़ है, जो हम समझ नहीं पा रहे कि उस चीज़ को वो कैसे झेल रहा होगा जहाँ अपनी भाषा नहीं समझ में आती है, जहाँ वहाँ के अपने लोग नहीं है और वहाँ का सरकार भी अपना नहीं है, जो मुझे समझने वाला हो कोई नहीं है, उसे दर्द को वही समझ पाता होगा और वही झेल पाता होगा। ये तकलीफ है और ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, मनीष है तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। सन ऑफ बिहार, लोगों का मसीहा जो मनीष कश्यप है। मनीष के लिए न जाने कहां कहां से, किस किस कोने से, कौन कौन से राज्य से लोग आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक लड़की दिल्ली से आई है, वो भी मनीष कश्यप के लिए। दोस्तों अब मैं आप सभी को मिलवाती हूँ इसी लड़की से, और हैरानी की बात तो ये है कि इस लड़की के पास मनीष की एक फोटो है और ये लड़की मनीष की पूजा कर रही है। जिस तरह से आप और हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह ये लड़की मनीष की पूजा कर रही है, और देखिए क्या कह रही है। मैं बेतिया जिले से हैं, मतलब मैं दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, ये सब देखते हैं, लेकिन हमको पता चला कि मनीष जी जेल में है, तो इसी कारण से हमको आना पड़ा कि देखिए माता को मंदिर में जाते हैं, गुहार लगाते हैं, माता रानी में शक्ति होगा तो जरूर आएंगे 6 तारीख को। अच्छा। रिहाई होने वाला है 26 तारीख को, 6 तारीख को नहीं 26 तारीख को रिहाई होने वाला है। देखिए अब माता रानी की कृपा से आएंगे कि नहीं आएंगे, बाकी तो गुहार लगाते हैं, इसके लिए एक हम ही नहीं लगाते हैं, पूरा पब्लिक लगाते हैं। पटना में गए थे वहाँ नीतीश जी से मिलने, लेकिन फिर भी भेंट नहीं कराए लोग हमसे। अच्छा। उसके बाद में मैं वहाँ से रोते गाते चल आए अपना जिला बेतिया में, माता को मंदिर देखे, तो फिर इसको फोटो लेकर आए और पूजा उजा किए और माता रानी के आगे फोटो रख दिए कि हे माता रानी इसको जल्दी से जल्दी रिहाई करा दो, ये बहुत सारा जनता के लिए, बच्चा लोग के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाता था बहुत ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, इतना ज्यादा ये आवाज उठाता था कि उतना किसी में दम नहीं था। तो सुना आप सभी ने क्या कहा इस लड़की ने। दोस्तों ये लड़की मनीष के लिए पटना भी गई थी, वो भी सिर्फ नीतीश कुमार से मिलने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद ये लड़की वहां आकर मंदिर में मनीष की फोटो रखकर पूजा करने लगी। दोस्तों आप मनीष की रिहाई और उनकी घर वापसी के लिए कितनी शिद्दत से पूजा पाठ और इसके अलावा क्या कुछ करते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।